हाय गाइस, आज की वीडियो में हम चार बेस्ट एप्लीकेशन कवर करने वाले हैं। डिक्शनरी एप्लीकेशंस हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये जो एप्लीकेशन है काफ़ी कमाल के फीचर्स के साथ हैं। सो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ईजी होने वाली हैं। डिक्शनरी को यूज़ करते हैं या फिर कोई और डिफरेंट ऐप यूज़ करते हैं, एक बार इन ऐप्स को ट्राई करके देखिए और फिर आप मुझे बताइए कौन सी ऐप बेस्ट आपको लगती है। अब गाइस, जो पहला एप्लीकेशन है हमारे पास वो है वर्ड वेब। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हमने इस ऐप को ओपन किया तो इस ऐप का जो रिस्पॉन्स है ये बहुत ही मुझे फास्ट लगा। काफ़ी जल्दी ये ऐप ओपन हो जाता है और ये जो वर्ड आया है वेलकम, ये बाय डिफॉल्ट आया। चलिए अब हम इसी को सर्च करते हैं। यहाँ पे तो सर्च करते हैं, जैसे ही आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो डिक्शनरी का एक पूरा पेज जैसे आप ओपन करते हैं उसमें आपको जितने मीनिंग्स दिखते हैं, ग्रामर टाइप में आपको जो पेज मिलता है वो आपको इसमें शो होता है। यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन नहीं शो हो रहा है कि इसका हिंदी मीनिंग क्या है। तो इस एप्लीकेशन को आप एज ए ग्रामर किसी भी वर्ड को अगर आप सर्च करना चाहें तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जो कि लाइट वेट एप्लीकेशन के साथ में आपको इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी। अब ये जो डिक्शनरी है ये आपको इंग्लिश से हिंदी में भी कन्वर्ट करके देखती है कुछ वर्ड्स को। और यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे फर्स्ट पेज और इंटरफेस आपको ऐसा मिलेगा जो कि बहुत सिंपल है दिखने में। अब हम यहाँ पर साइड में जाएंगे तो देखिए साइड में आपको कुछ और फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपके काफ़ी काम आने वाले हैं। यहाँ पे हम सेटिंग्स में जाएँ, सबसे पहले अगर हम बात करें इसके फीचर्स की तो इसमें आपको काफ़ी सारे नए नए फीचर्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें स्क्रॉल करके तो कई सारे ऑप्शंस फीचर्स हैं जो कि आपको कोई और एप्लीकेशन में नहीं मिलेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स भी हैं, प्लस आप इसमें कस्टमाइजेशन करना चाहें तो उसके लिए भी आपको बहुत सारे इसमें ऑप्शंस और फीचर्स थीम्स मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे होम पे जाएं हम तो होम पे जाने के बाद देखिए ये आपका सर्च इंटरफेस है। यहाँ पे आपको कोई भी वर्ड है, कोई भी आप सर्च करना चाहें तो आप वो सर्च कर सकते। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सिंपल हेल्थ, तो इसको हम सर्च करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका जो हिंदी मीनिंग है वो भी हमें मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए नाउन एग्जाम्पल, इसके बाद यहाँ पर मोर में और भी डिटेल्स हैं वो आपको मिल जाती हैं। इसमें हिंदी में किस तरह से जो शब्द है उनका अलग अलग वे में यूज़ किया जा सकता है वो भी आपको, या अकेले पर्यायवाची जो शब्द होते हैं वो भी आपको इसमें मिल जाते हैं। इसको आप प्रनाउंस करना चाहें या फिर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है आपके पास तो आप उसको ऐसा प्रनाउंस करके यहाँ पे सुन सकते हैं तो वो आपको लिसन कर पाएंगे। और यहाँ पे स्पीकर का भी ऑप्शन है, तो काफ़ी सारे फीचर्स हैं। बहुत ही अच्छा और सिंपल इंटरफेस है, तो इस एप्लीकेशन को भी आप एज अ डिक्शनरी ऐप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है गाइज वो है हायर डिक्शनरी। तो ये जो डिक्शनरी है आप देख सकते हो इंटरफेस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है ये आज के टाइम का है और काफ़ी एडवांस है। और इसमें आपको कई जगह ऐड भी देखने को मिलेगी, बिकॉज आप देख सकते हो अब ये जो एप्लीकेशन है इतने सारे फीचर्स के साथ में आता है तो ऐड होना या फिर कहीं ये एप्लीकेशन पेड भी है तो ये तो चलता है। तो काफ़ी सारे एप्लीकेशन जिनमें आपको फीचर्स तो मिलेंगे बट उनमें ऐड आपको शो होगी, बिकॉज जो एप्लीकेशन है उसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं तो कहीं ना कहीं से तो जो कंपनी है उनको सपोर्ट चाहिए होता तो एडवर्टाइजमेंट चलती है। चलिए एड्स को साइड में रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको सर्च वाला जो मिल जाता है, यहाँ पे डायरेक्ट आप कोई भी वर्ड है उसको आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रिसेंटली सर्च किया था सक्सेस, तो ये इसका मुझे काफ़ी अच्छा इसमें डिटेल्ड जैसे एक डिक्शनरी में मुझे सब मीनिंग चाहिए तो यहाँ पर हर एक चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद आप देख सकते हो इसमें हिंदी में किस तरह से आपको उस वर्ड के रिलेटेड जो पूरा मीनिंग है वो मिल जाता है, एग्जाम्पल मिल जाते हैं आपको सेंटेंसेस में। अगर आप इंग्लिश में सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है आपको तो उसका यूज़ भी मिल जाता है, फ्रेजेस मिल जाते हैं छोटे छोटे। इसके बाद यहाँ पे अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। आप देख सकते हैं विकिपीडिया का काफ़ी डिटेल्ड आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाती है। और अगर हम देखें तो देखिए ऑब्जेक्ट्स को अगर आप स्कैन करना चाहें वीडियो के थ्रू तो वो आप फोटो ले सकते हो या फिर वीडियो के थ्रू उसको आप स्कैन करके जो इसमें डिटेल्स पता कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइस अगर हम देखें तो देखिए ग्रामर और वोकेबुलरी, ये कुछ और ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे आपको ये जो सेंटेंस मिल गया है तो यहाँ पे आपको सिंपल जो है इसको फिलअप करना है, तो यहाँ पे हम सिंपल फिलअप कर लेते हैं। वेकेशन यहाँ पे आएगा, ओके तो इसको हम ट्राई करते हैं। ओके तो इस तरह से आप देख सकते हो वोकेबुलरी अगर आपको बेटर करना है, आपको इस तरह से जो वर्ड्स है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स मिलते जाएंगे तो ये आपकी इंग्लिश को बेटर करने के लिए हेल्प करेंगे इसमें। इसके बाद ग्रामर का भी ऑप्शन है, इसके बाद और भी ऑप्शंस आप देख सकते हो। डेली वर्ड्स जो इसमें वर्ड्स डेली आपको मिलते रहेंगे, हर एक दिन आप जब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ये आपको एक नया वर्ड मिलेगा इसमें, जिससे आप चाहें तो इसको डायरेक्ट आप मीनिंग देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे सेंटेंस भी आपको नए नए डेली मिलते जाएंगे, तो आप अगर चाहें तो इंग्लिश सीखने के पर्पज़ से एप्लीकेशन रखना चाहें तो काफ़ी अच्छी ऐप है। और आई थिंक AI के द्वारा सजेस्टेड जो वर्ड हैं यहाँ पे वो आपको यहाँ पे दिखते जाएंगे, तो काफ़ी अच्छी ऐप है डिक्शनरी के लिए। आप इसको यूज़ करना चाहिए इसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशन हैं सभी के डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं।
इसके बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है गाइस वो है डिक्शनरी। इसका नाम सिर्फ इतना ही है, डिक्शनरी। इसको आप यूज़ करना चाहे तो ऑफलाइन में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे डाउनलोड के लिए कह रहा है ये, तो आपको ये जो लैंग्वेज है वो ऑफलाइन में डाउनलोड करनी पड़ेगी। चलिए अभी हम इसको ऑनलाइन में यूज़ करते हैं और हम यहाँ पे चलते हैं कलेक्शन में। कलेक्शन में जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इस तरह से एक नया वर्ड आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब यहाँ पे इसको आप चाहे तो इसको, अगर आपको इसको सॉल्व करना तो ये आपको एक क्विज के जैसा दे रहा है, तो यानी कि कॉन्ग्रेचुलेशन इसका कैपिटल मीनिंग है इसका, कॉन्ग्रेचुलेशन। इसको सेलेक्ट करेंगे इसी तरह से ये जो है वर्ड्स, ये जो पजल से सॉल्व होते जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो देखिए आपके यहाँ पे माई वोकैबुलरी, इसके बाद है एसेंशियल्स, ग्रीटिंग्स, नंबर्स, इस तरह के जो अलग अलग जो चीज़ें हैं आपको सीखने के लिए मिलते जाएंगी। और आप उनको चाहे तो प्रोनाउंसिएशन के थ्रू, ये मतलब बहुत ही बेसिक लेवल की ऐप है जिसमें आपको अगर इंग्लिश के बारे में जानना है, इंग्लिश आपको और इंटरेस्टिंग तरीके से सीखने है, तो आपको बहुत ही बेसिक लेवल से इसमें आपको चीज़ें मिलेंगी जिनको आप यहाँ पे स्पीकर के थ्रू प्रोनाउंस करवा सकते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल ऐप है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसमें आपको ट्रांसलेशन के लिए मिल जाता है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करना चाहिए ट्रांसलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे डिटेक्ट लैंग्वेज है, यानी आप हिंदी में टाइप करें या फिर आप इंग्लिश में भी टाइप करेंगे तो ये जो है लैंग्वेज में अपना डिटेक्ट कर लेगा। और यहाँ से आपको अगर इंग्लिश से हिंदी चेंज करना है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। मराठी है, नेपाली है, और भी लैंग्वेजेस है इसमें, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। ट्रांसलेटर आपको इसमें मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रामर, तो ग्रामर में अगर आप अपना कोई भी सेंटेंस है वो आप टेस्ट करना चाहें, चेक करना चाहें, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो काफ़ी सही फीचर्स है इसमें आपको मिल जाते हैं। सेटिंग्स में आपको ज़्यादा कुछ इसमें नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आपको कुछ और ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलते हैं। एप्लीकेशन का साइज़ भी बहुत ही छोटा है, लाइट वेट एप्लीकेशन है, तो एंड्रॉयड डिवाइस पे चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, स्मूथली वर्क करेंगे सारे सारे एप्लीकेशन। तो गाइस कैसे लगा ये एप्लीकेशन और आपका कौन सा ये बेस्ट एप्लीकेशन है कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको और भी रिलेटेड वीडियोस देखने हैं एजुकेशन से रिलेटेड, तो यहाँ पे मैंने पूरा जो प्लेलिस्ट है वो बनाया हुआ है, आपको उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एप्लीकेशन है वो मिलेंगे देखने को, तो आप उनको भी ट्राई आउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।